हैदराबाद में, बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में। और सर सबसे पहले आपकी रिसर्च के बारे में जानना चाहूंगा सर, अगर थोड़ा सा फिल्म के बारे में बताएं, आपकी रिसर्च के बारे में बताएं और कितनी डिफिकल्टीज हुई ड्यूरिंग शूटिंग एंड ड्यूरिंग रिसर्च। सी हमने तो ये सिनेमा के बारे में सोचे, सो तारीख थी वो 27 जनवरी 2022, जिस दिन मैं तिरुपति लॉर्ड बालाजी का दर्शन के लिए गया था। जैसा ही टच डाउन हुआ रेणीगुंटा एयरपोर्ट पे, प्लेन का फर्स्ट व्हील रजाकार बोल के वेरी स्ट्रांग इंट्यूजन आया। तो रजाकार ऐसा कोई नया चीज़ नहीं है हम तेलंगाना वालों के लिए, तो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं रजाकार रजाकार बोल के, क्योंकि हमें, हम तो गांव वाले हैं, गांव में भी बहुत सारे जो डिमोलिश किया गया, ब्लास्ट किया गया रजाकारों के वजह से या उनके द्वारा, वो सब भी हमको देखे सोए और जानकारी है। वहाँ से बचपन से ही रजाकार के बारे में वो सोच है, लेकिन वो 27 जनवरी 2022 के दिन ये जो स्ट्रांग इंट्यूजन लॉर्ड बालाजी ने दिया बोल के मैं समझता हूँ, उस दिन से शुरू हुई। 6 महीने का रिसर्च हुई पूरा स्टोरी के, मतलब पूरा सिनेमा स्टाइल में लेके आने के लिए 120 के ऊपर किताब पढ़े हैं, एक एक किताब पूरा फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज पढ़ के उसमें से पूरा निकाला गया इसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले और स्टोरी। और बनाने से पहले तो हम ये सीक्रेट ही रखना चाहे, लेकिन समहाउ इट गॉट लीक्ड। पहला चीज़ क्या है मैं बोलता हूँ, हैदराबाद में तो बहुत ब्यूटीफुल पैलेसेस है, उसमें बेस्ट पैलेस चौहमल्ला पैलेस और एक फलकनामा पैलेस जो 5-स्टार होटल है। अभी पहला चीज़ तो हम काफ़े लोग हैं, चौहमल्ला फलकनामा पैलेस देते ही नहीं बोले शूटिंग के लिए, वही उससे पहले सीताराम हम करे, उससे पहले बहुत सारे सिनेमा करे वो दिए, लेकिन हमारे लिए नहीं देते बोले, क्योंकि हम रजाकारों के बारे में सिनेमा निकालने वाले हैं। वो लोग गूगल करे कहीं गुडूर नारायण रेड्डी इज प्रोड्यूसिंग रजाकार, एक्चुअली जब तक अनाउंस भी नहीं करे, लेकिन लीकेज हो गया। वहाँ से शुरू हुई हमको ये महीना जो 4 तारीख तक इसका सर्टिफिकेशन मिला तब तक इतने तकलीफ उठाए। पहले जो सत्ते में थे, जो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट था KCR का, वो जो TRS बोल के फिर BRS कर लिया, बहुत ही उचका देश में वो करूँगा ये करूँगा, लेकिन राजनीति तो यहाँ बात करेंगे नहीं, उन्होंने बहुत तकलीफ दिया, क्योंकि उनको वो सोचा कि हम उनको दोषी बना के सिनेमा में बताने वाले हैं, लेकिन उनको दोषी एक ही तरीके से है, वो भी बहुत बड़ा दोषी है वो, कि निज़ाम जिन्होंने अपना ही प्रजाओं पर बलात्कार करवाया, अपना ही लोगों को मरवाया मज़हब बदलने का कोशिश में, उसका मकबरे पे जाके इन्होंने माथा टेक किया है। हम नहीं जाते निज़ाम का मकबरे पे माथा टिकाते नहीं, अगर होना बोलो तो, अगर निज़ाम का बाप है वो, पिताजी है उनका, वो उनका पिताजी मीर महमूद अली महबूब अली पाशा के अगर मकबरे पे जाके बोलते हम टिका के आते, क्योंकि बहुत अच्छा था, वेरी सूफी पर्सनालिटी, हिंदुओं को बहुत मदद किया, कोई हिंदू को हार्म नहीं करा, लेकिन ये भूख के वजह से राज्य आकांक्षा बोलते हैं ना, जो देश बनाना चाह तुर्किस्तान का भूखी में और उस पैसे में इन्होंने अपना ही लोगों को मर्डर करवाया, रेप करवाया, तो वो पापी का रूप से हम देखते हैं और कोई दूसरा मजहब के रूप से नहीं देखते, वो सिर्फ मीर उस्मान अली पाशा एंड कासिम रिजवी, द विलन ऑफ द मूवी कासिम रिजवी, हम इनके ऊपर ही हमारा गुस्सा है, इनको बाहर लेके आके लोगों को, दुनिया को बताना है उस इतिहास के पन्नों को, आप जैसे नौजवानों के सामने रखना है, ताकि आप और आपके बच्चे पोते आने वाले पीढ़ियां सुकून से शांति से रहना है, गंगा जमुना का तहजीब से जीना है, कोई इसमें उचक के मैं वो करूंगा ये करूंगा बोले जैसा नहीं, सब भारत माता के बच्चे के जैसा जियेंगे इधर, वो है हमारा इंटरेस्ट, वो है हमारा इंट्यूशन, वो है हमारा लव फॉर द प्रेजेंट डे किड्स, बिकॉज हम तो फादर ग्रैंडफादर का उम्र के, तो हमारा क्या रहता, बच्चों के ऊपर ही प्यार रहता ना। हमारे देश के बच्चे आज 100 करोड़ लोग जवान बच्चे हैं, तो उनको नहीं मालूम है, वो पढ़ने के लिए भी उनको पेशेंस नहीं है, गूगल करके देखने को भी पेशेंस नहीं है, लेकिन एक सिनेमा के रूप में लेके आके अगर उनके सामने रखे, वो भी अच्छा क्वालिटी सिनेमा, एक एक कैरेक्टर में ये जिए हैं, ऊपर वाला ने क्या करा इनको एकदम जीवित करके वो कैरेक्टर को उनसे करवाए, एक एक ऐसा इमैक्युलेट काम करे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल द प्रोटैगनिस्ट द मैन हु हैज यूनिफाइड द होल कंट्री। उस जमाने में 565 प्रोविंसेस रहते थे अपने को आज़ादी मिलने से पहले, 20 प्रोविंस पाकिस्तान में गए, 545 प्रोविंसेस थे इसमें रजवाड़े, उसमें से 3 बच गए थे, 542 मिल गए अनकंडीशनली, जैसा इंडिपेंडेंट कंट्री होगा उसमें मिल गए,
मिलने के बाद तीन थे, एक था कश्मीर, एक था दूसरा था जूनागढ़, तीसरा था हैदराबाद। तो कश्मीर में आपको क्या हुआ मालूम है, पाकिस्तान इंडिया सेपरेट होते ही पाकिस्तान वाले आके उधर हमला करके आधा ले लिए, ले लेके पीओके कर लिए। वो राजा हरि सिंह आके फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आया, वो बोले फिर अरे ठीक है भाई मिलिट्री आए भिजाए उसको वहाँ तक, जहाँ तक हमला हुआ वहाँ तक ही रोक दिए, फिर वो विलीन हो गया। प्लेबिसाइट में जूनागढ़ इंडिया में विलीन हो गया। नेक्स्ट था ये सब चीज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल के वजह से। थर्ड था निज़ाम का, ये जो हैदराबाद प्रोविंस, जिसमें इस प्रोविंस में आज का पूरा तेलंगाना है और पांच डिस्ट्रिक्ट इस महाराष्ट्र का है, आमची मुंबई का है पांच डिस्ट्रिक्ट, और तीन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का है। तो इन इनके इन जगहों का लोगों को भी बहुत सारे तकलीफ हुए। आपको एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आज जो कांग्रेस के जो राष्ट्र के अध्यक्ष है जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने जब 7 साल के उम्र में थे उनके सामने उनके माताजी को और बहन को रजाकारों ने जलाया जिंदा। आप कभी भी उनसे पूछ सकते, उन्होंने इन मीडिया ऑन इन कैमरा वो बोले हैं अभी इस बीच में 6-8 महीने पहले कि हमारा माताजी को और बहन को हमारे सामने मार दिए गए बोल के वो बोले थे। तो इतने बहुत सारे हैं, 60,000 रेप्स, 2 लाख मर्डर्स, किसको बोलते हैं? वो राजा अपना ही प्रजाओं पर इन्फ्लिक्ट किया, तो उनको दोष बना के आपके सामने ला रहे, और फिर रजाकार फिर इस दुनिया में कहीं भी पैदा नहीं होना, क्योंकि कोई भी देश का अध्यक्ष हो या राजा हो अपना ही प्रजा के ऊपर बल प्रयोग नहीं करा। बस सर आपसे जानना चाहूंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी पूरा देश साथ में लाने में, सर कितना प्राउड फील हो रहा है उनका किरदार निभाते हुए, अगर और थोड़ा सा बताए कि क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी और एज अ ह्यूमन क्या सीखा आपने उनके किरदार से? सर रिसर्च तो बहुत कुछ हेल्प की है मेरे प्रोड्यूसर साहब ने और डायरेक्टर साहब ने। हाँ आइडल मेरे थे वो शुरू से आज तक हैं, अलग अलग आइडल्स होते हैं सबके, किसी का गांधी जी हैं किसी के नेताजी थे, बट मेरे आइडल वो थे और अगर वो रोल मुझे प्ले करने का मौका मिला तो इससे बड़े सौभाग्य की बात ही नहीं है मेरे लिए। और इन्होंने मुझे चुना वो रोल प्ले करने के लिए, जबकि ज़्यादातर मैंने नेगेटिव रोल्स किए हैं, तो मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब मैंने क्या परफॉर्म किया कैसे वो तो आप देख के बताएंगे कि मैंने क्या किया, तो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। मकरन सर आपसे जानना चाहूंगा कितना इजी या डिफिकल्ट है, और जैसे सर ने कहा कि यूथ को इस चीज के बारे में पता चलना चाहिए ताकि इन फ्यूचर जो ऐसा कोई रजाकार पैदा ना हो कि इस तरह का जेनोसाइड हो, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें और थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में बताए। मैं पहली बात तो ये मुझे लगता है कि गुडुर सर जो है एक तो राजनेता है और वो वहाँ से हैं तो उनका एक भावनात्मक उद्रेक है, वो जो एक है अब विस्फोट है वो। मैं अभिनेता हूँ तो अभिनेता एक कलाकार जब होता है उसके पास किरदार आता है तो किरदार ही उसको एक सशक्त कलाकार के रूप में उसको निभाने के बाद वो बनता है। तो मेरे लिए चैलेंजेस तो ये थे कि आप इतिहास का किरदार करो और जिसके बारे में उतनी मालूमात नहीं थी, निज़ाम हम कहते हैं लेकिन ऐसा ध्यान में नहीं आ रहा था कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं। और फिर रिसर्च जब शुरू हुआ, जब बातें हुई स्क्रिप्ट को लेकर कि क्या है, धीरे धीरे समझ में आया कि इतना सबसे संसार का अमीर आदमी, मतलब एक टाइम पर दुनिया का सबसे अमीर आदमी घोषित किया गया था टाइम मैगजीन 1937 में, और वही आदमी आपको साकार करना है। और उसके साथ ये भी बताया गया कहीं कि ये कंजूस आदमी है, मतलब बड़ा मज़ा आया मुझे कि क्या कंजूसी बाद में सबसे दौलतमंद बनता है। तो ये बातें सोच रहा था लेकिन क्रूर कहाँ से हुआ, सबसे लिखा पढ़ा है साहित्य प्रेमी ऐसा आदमी अचानक से धर्मांध होके जब एक धार्मिक राष्ट्र बनाने के पीछे पड़ जाता है तो क्या होता है। तो ये जब रिसर्च करते रहा, एक बतौर एक्टर इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि खुद को निज़ाम की भूमिका में, खास करके उसका जो एक आखिरी सीन है जहाँ ऑपरेशन पोलो के बाद उसे निज़ाम उसे अपना हैदराबाद विलय करने पर मजबूर हो जाता है, वो तो वो अपने डेक्कन रेडियो स्टेशन में चला जाता है, तो वो उतर कर जब चलता है तो मैं बतौर एक्टर मुझे अचानक से लगा कि ये 6 पूछते उसके पहले, ये 7वां था,
तो असफजाई के लिए उसका मतलब ये तो फेलियर हो गए ये खुद, और अपनी नजर में भी फेलियर हो गए। तो वो पूरा फेलियर लेके मैं जब वो सीढ़ियां चढ़ा डेक्कन रेडियो की, और डेक्कन रेडियो के सामने जब बैठा और वो एक आखिरी स्पीच देता है अपने प्रजा को, रियाया को, और कहता है अमन से इसको एक्सेप्ट करो, ये जो स्पीच था वो करते समय मुझे बतौर अभिनेता मुझे ऐसा लगा कि मैं निज़ाम बन गया हूँ। तो मुझे डेफिनेटली प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर का अपना कारण होता है, मेरा एक एज एन इंडियन डेफिनेटली एक कारण ज़रूर रहेगा कि इतिहास, वो इतिहास जो लोगों को नहीं पता है, और एक ये भी बात कहना चाहूँगा कि वो इतिहास है, तो वो ऐसा नहीं है कि हम हमारे मुसलमान लोगों के भाइयों के ख़िलाफ़ कुछ बोल रहे हैं। इतिहास में जो घटा है, जैसे हम गांधी फिल्म बनी थी तो अंग्रेज़ों ने जो अत्याचार किए थे वो बताए थे, और फिर अंग्रेज़ों ने ही वो फिल्में देखी थी, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसको लेके किसी ने कुछ सोचना चाहिए। तो एज एन एक्टर मुझे लगता है कि ये किरदार मैं कर पाया क्योंकि इन्होंने बहुत सारे पैसे लगे। होता है ना कि आप जिस फिल्म में काम करते हो, खास करके इतिहास यदि जुड़ा हो या माइथोलॉजी हो, तो उसमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो है कि पैसा खर्च करना पड़ता है। बड़े एक्टर लो तो और पैसा सब कुछ हो जाता है, तो लेकिन पैसा जो प्रोडक्शन का होता है वो कम नहीं होता, मतलब जो सेट खड़ा करने के लिए या जो एक्शन दिखाने के लिए, मुझे लगता है वो सब कुछ इन्होंने चार मीनार बनाए, 1,40,00,000 रुपए लगा के चार मीनार बनाए और सीसी रोड्स बनाए, क्योंकि उस जमाने में डांबर के रोड नहीं थे, जब मिलिट्री का परेड होता ना तो वी हैव टू शो एग्जैक्टली व्हाट वाज देन। तो चार मीनार को पूरा ह्यूज स्ट्रक्चर, और नहीं तो सिनेमा में चार मीनार के पास तो अभी कुछ भी नहीं कर सकते आप, हर एकदम ऐसा जैम होके है पूरा, वेंडर्स के साथ, फल बेचने वाला, बैंगल बेचने वाला, और कुछ बेचने वाला, फोटोग्राफर्स, ये पूरे भरे हुए रहते। तो रियली 1946-47-48 को क्रिएट करना उतना आसान नहीं है। आप इमेजिनरी सीजीज बना के चल सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री को क्रिएट करना तो इट हैज़ टू बी एग्जैक्ट, प्रिंट रहना पड़ता। तो जो क्वालिटी हमने निकाले हैं, ये शायद बाहुबली नहीं हो सकता, लेकिन ये राजमौली डायरेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन हमारा जो याटा सत्यनारायण जो डायरेक्ट किया, ये जो गुडूर नारायण रेड्डी ने प्रोड्यूस किया, टॉप ऑर्डर सिनेमा है। इस बीच में नहीं तो सिनेमा इंडस्ट्री का हिस्ट्री में बड़ा हीरो या बड़ा हीरोइन को नहीं लगा के निकाले, सो एक ही सिनेमा है हिस्ट्री में खट जाएगा। यही हमारे बड़े हैं, यही बड़े हैं, आज इन्हीं के यही फाउंडेशंस है जो इस सिनेमा को खड़ा के प्रजा के बीच में लेके जाके हर एक का आंख खोलने का और उनका उनको उत्तेजित करने का जो कोशिश इन्होंने किया, एक एक कैरेक्टर में वो जिए हैं, जी के उस कैरेक्टर का वैल्यू को एनहेंस किए ताकि आप लोगों का अच्छा ही हो कल का। सर आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि सर ने कहा कि बहुत ही डिफिकल्ट था पूरा सेट रिक्रिएट करना, सबके सामने इन चीजों को लाना, एज अ विलन कितना इफेक्ट किया जो मतलब उस समय उन्होंने किया था, आपने तो खुद फील किया होगा एज एन एक्टर, अगर कुछ शेयर करना चाहे सर इस बारे में, और क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी एज एन एक्टर? कोई भी काम जिसमें चैलेंज ना हो, एक्साइटमेंट ना हो, उसमें वैसे भी मजा आता नहीं है, वो वैसे भी बोरिंग हो जाता है, और मैं वैसे भी एक लालची और भूखा एक्टर हूँ, मैं हमेशा सोचता हूँ कि ऐसा कुछ करूँ जो थोड़ा अलग हो। वो थोड़ा अलग चुनने के चक्कर में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी रिसर्च ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी जान ज़्यादा कपानी पड़ती है। और रही बात इसकी तैयारी की, तो तैयारी का कोई एक फिक्स लाइन नहीं है मेरी कि मैं इस तरह से तैयारी करूँगा। कभी कभी किसी रोल के लिए मैं कव्वालियाँ सुनने लगता हूँ, कभी कभी मैं पॉप म्यूज़िक सुनता हूँ, कभी कभी मैं लोमड़ी को देखने लगता हूँ, घंटों में जो है किसी एक चैनल पे जो है लोमड़ी देखता रहता हूँ। तो वो पागलपन करना पड़ता है क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता है कि आपको किस जगह से कहाँ सुर मिल जाएगा। कहीं कहीं आपको, क्योंकि जब हम पेंटिंग बनाते हैं तो रफ स्केच पे आप पूरी तरह से पेंटिंग के ग्राफ को तय नहीं कर पाते हैं, जब वो फाइनल हो जाती है तभी पता चलता है कि कुछ अच्छा बना कि कुछ खराब। तो इनिशियली आप ट्राई करते हो, आप सोचते हो चलो ये रंग डालता हूँ फिर ये रंग डालता हूँ। अभिनय की भी तैयारी कुछ इसी तरह की होती है, बट वो बड़े मजे की तैयारी होती है। तो तकलीफ की जगह मैं उस शब्द को रिप्लेस करके लाऊंगा चैलेंजेस। तो चैलेंजेस अगर लाइफ में भी ना हो तो लाइफ भी मोनोटोनस हो जाएगी, तो वो मुझे चैलेंजेस लेने में भी मजा आता है। और मैं वैसे भी पर्सनली भी बहुत जल्दी बोर होता हूँ, अपने आप से भी जल्दी बोर होता हूँ, अपने कपड़ों से भी बोर होता हूँ, अपने लुक से भी बोर होता हूँ,
तो जिसको अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी बोरियत होती है उसको रोल्स में तो ज़्यादा बोरियत होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ और मैं ऐसे ही रोल चुनता हूँ जिसमें मज़ा आए। बात रही क्रुएलिटी की जो आप बता रहे हैं, ये सब साइकोलॉजिकल गेम है, जितना आप अपनी साइकोलॉजी के साथ अपनी सोच के साथ खेलोगे उतना वो क्रुएलिटी वो बारबेरियननेस वो हार्शनेस वो पैदा हो जाती है और वो आपके चेहरे में वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो आपके जेस्चर्स में पोस्चर्स में बाय डिफॉल्ट आने लगती है। बहुत ज़्यादा उसके लिए कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ सोच को एक दिशा में ले जाना पड़ता है, वही मैंने किया है। और सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब भी इतिहास के पन्नों को फिल्म मेकर अपने फिल्म में उतारते हैं तो दोहरी मार झेलते हैं, एक राजनेता की तरफ से एक सीबीएफसी की तरफ से, आपके लिए कौन सा चैलेंज ज़्यादा रहा? मैं राजनीतिक आज विन होके आज बीजेपी पार्टी में हूँ, लेकिन 40 साल गए सो 40 साल कांग्रेस में रहा। मैं एक जिम्मेदार आदमी जिस एरिया से जिस हैदराबाद से हूँ मैं, तो उधर जो इतने बुरे चीज हुए वो मैं शोकेस करने का जिम्मेदारी मेरे कंधों पे लिया, भारत माता का बच्चे का जैसा लिया, भगत सिंह का भाई का जैसा लिया, लेकिन मैं एक पार्टी एक मजहब एक प्रांत का आदमी का जैसा नहीं लिया। मैं इस देश का फर्स्ट, हम सिटीजन ऑफ इंडिया है ना, सिटीजन ऑफ हमारा गांव का तो नहीं बोलते, तो एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आई थॉट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शोकेस व्हाट आई नो अबाउट माई प्लेस एंड वेयर व्हाट हैज हैपेंड इज समथिंग वेरी अनयूजुअल, वेयर नो वेयर इट हैज हैपेंड लाइक दैट। नो किंग हैज इन्फ्लिक्टेड सच इंजुरीज और हर्ट देम इरिपेरेबली लाइक निर्भया से भी 60,000 निर्भया हुआ, उधर 200,000 मर्डर्स हुए, तो किसको बोलते हैं? बहुत बड़ा जेनोसाइड है, साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद, उसलिए बोल रहे एकदम निशब्द मारण होम है। हाँ, बहुत सारे धमकियां हुए, कम से कम 1100 धमकियां, 1106 धमकियां हैं अभी तक तो, कि मार देते काट देते वो करते करते। मैं बोला ठीक है, मीन लाइफ एंड डेथ इज सिंपल, इट इज लाइक यू नो, यू टर्न द लाइट ऑफ इट लाइट इज गॉन, टर्न द लाइट इज ऑन, सो आई एम एज लॉन्ग एज आई एम लिविंग आई हैव मेड माय हिस्ट्री, आई ऑलरेडी गॉट द माय सिनेमा इन टू द डोमेन ऑफ द यूनिवर्स, सो इवन इफ आई डाई आर लिव व्हाट डज इट मैटर, आई हैव डन माय पार्ट, सो यू कांट एलिमिनेट और इरेज व्हाट आई हैव क्रिएटेड, राइट? सो दोज पीपल हूएवर वांट्स टू इन्फ्लिक्ट इंजरी ऑन मी, दे विल बी फेलिंग इन देयर लाइफ मिजरेबली, because I am doing with a good intention to enlighten my youth, my people, my children, my nephews, my daughters, my daughter-in-laws of the universe. I am enlightening them so that no other Rizakar will take birth in this country and inflict injuries on their own countrymen. I am making, when you have to understand it very subtly. So any person who has that evil mind or evil design will nullify himself. He will stop, he will henceforth desist from doing any kind of such idiotic things in the world. We have to live. Ganga Jamuna Tehzeeb se jiyenge, parallel jiyenge. Aapko hum salam bolenge, aapko hum, aap hamare ko namaste nahi bole to parwa nahi.